National Organization of Disabled Artists, लेकिन मैं कहूँगा कि National Organization of Specially Daring Artist. Differently Abled Artist. अब जो आप म्यूजिक सुनेंगे वो वाकई कमाल का म्यूजिक है. प्लीज बड़े ध्यान से सुनिए और मैं माइक देता हूँ. लीजिए साहब. हेलो, गुड इवनिंग सभी समंदर के सपूतों, ऑल सी फेयरर्स. वंस अगेन दिस इज द थर्ड ईयर दैट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिसेबल्ड आर्टिस्ट्स एंड सी फेयरर्स आर मीटिंग. और जी हाँ, आज हम आपके लिए जो संजो के लाए हैं, एक ऐसे इंसान का संगीत लाए हैं जिसने अपने अंदर सात सुरों का सागर ऐसा भरा हुआ था कि उनके जाने के कई साल बाद भी आज भी उनके संगीत पर आज की जनरेशन भी उसी तरह झूमती नाचती गाती है जिस तरह से जब उन्होंने संगीत दिया तब जो जवान थे वो झूमा करते थे, नाचा करते थे. और जी हाँ, पंचमदा 27th of June जो कि उनका जन्मदिन है, उन्हें आज हम याद करेंगे. और कोइंसिडेंस देखिए कि 27th of June जो पंचमदा का जन्मदिन है, उसी दिन डॉक्टर हेलन केलर, जिन्होंने कि उनके पास मल्टीपल डिसेबिलिटीज थी, लेकिन उन डिसेबिलिटीज को दरकिनार करके 75 कंट्रीज में जाकर के सोशल सर्विस करके ह्यूमैनिटी को और ह्यूमन लाइफ को एक नई ऊंचाई दी. और इंसान अपनी मर्यादाओं के बावजूद क्या कर सकता है, इसकी जीती जागती तस्वीर डॉक्टर हेलन केलर, जो हम सब के लिए पूजनीय है, उनका भी जन्मदिन है. तो आज पंचमदा के संगीत के साथ डॉक्टर हेलन केलर जी को प्रणाम करते हुए आपके सामने हम कलाकार हाजिर होते हैं. संदेशा एक ही देना चाहते हैं कि उजालों के सिपाही बन के आए हैं, कर ली है अंधेरों से दुश्मनी. हम चांद सूरज नहीं तो क्या हुआ, आसमां के सितारे नहीं तो क्या हुआ, नन्हे से दिए बनकर जलेंगे और फैलाएंगे इस दुनिया में एक अनोखी रोशनी, रोशनी, रोशनी. बस जोरदार तालियां हो जाए सभी कलाकारों के लिए. गिन करके 2 मिनट 120 सेकेंड्स और हम आपकी खिदमत में ये सुरीला प्रोग्राम शुरू करेंगे. जोरदार जोरदार तालियां हो जाए.
जी हाँ, जब हमारी ये मुलाकात हो रही है, ये है एक हसी शाम, और शाम हर इंसान की जिंदगी में अलग अलग मायने रखती है। किसी ने सच ही कहा है कि कोई शाम गुजारता है हुस्न के इंतजार में, तो कोई शाम गुजारता है जाम के मझधार में। कोई शाम गुजारता है हुस्न के इंतजार में, तो कोई शाम गुजारता है जाम के मझधार में। हम तो संगीत के दीवाने हैं भैया, हम हर शाम गुजारते हैं सात सुरों की बहार में, सात सुरों की बहार में। ये शाम मस्ताने मत होश ये जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर ये जाए। ये शाम मस्ताने मत होश मुझे डोर कोई पीछे तेरी ओर लिए जाए। जू, 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 नहीं तो पे तेरे कभी प्यार सदी नहीं, ऐसा लगे जैसे कि तू उसके जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मत होश किए जाए, मुझे डोर कोई पीछे चला जा, मेरी तरह चल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह चल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं जाता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। थैंक यू, थैंक यू। आप जो समंदर की लहरों से खेलने वाले वीर नौजवान आज संगीत की लहरों के साथ इतना झूम रहे हैं, देख करके बड़ा मजा आता है। वैसे जिंदगी को सभी लोग इस तरह से नहीं जीते। एक नौजवान लड़की को, खूबसूरत लड़की को 5 करोड़ की लॉटरी लगी थी, लेकिन लॉटरी वाली कंपनी ने सोचा कि इस लड़की को अगर ऐसे ही बता देंगे तो शायद उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक बड़े योगी बाबा को अपॉइंट किया, बोला कि आप किस तरह से इसे बताएंगे कि इसको 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। तो बोले नहीं, मैं धीरे धीरे उसको पूछूंगा और धीरे धीरे उसको जहन में डालूंगा कि इतने पैसे तुझे मिल सकते हैं। तो योगी बाबा को जिम्मेदारी सौंपी और
योगी बाबा ने कहा, बेटा अगर तुम्हें 5,000 रुपये मिल जाए तो क्या करोगी? तो बच्चे ने बोला, शॉपिंग करूंगी, ड्रेस खरीदूंगी। ये तुम्हें 50,000 मिल जाए तो क्या? उसने बोला, जेवरात खरीदूंगी। ये तुम्हें 5,00,000 मिल जाए तो क्या? बोले, मेरे घर पुराना हो गया है, मैं उसको रिनोवेट करूंगी। तुम्हें 50,00,000 मिल जाए तो मैं एक अच्छे एरिया में अच्छा घर कर। और बेटा तुम्हें अगर 5 करोड़ मिल जाए बाबा तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। बाबा को हार्ट अटैक आ गया। क्या बात है बाबा? तो बस मैं कहना इतना चाहता हूं कि जिंदगी को जिंदा दिली से जिया जाता है, जिंदगी को नहीं झेलते हैं। जिंदगी को जिंदा दिली से जिया जाता है, जिंदगी को नहीं झेलते हैं। जो जिंदगी से प्यार करना जानता है वो जिंदगी से पर्दा कहां करता है, वो तो उसकी बाहों में खेलते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लड़की लड़के से कहती है कि वादा था तुम्हारा,
कि मिलोगे हर खिड़की हर दरवाजे के पीछे, वादा था तुम्हारा कि मिलोगे हर खिड़की हर दरवाजे के पीछे, लेकिन जब मेरा जनाजा निकला तब नहीं थे तुम मेरे जनाजे के पीछे। सिर्फ लड़कियों की बातों से ही खुश मत हो जाइएगा, लड़के का जवाब भी सुनिएगा। वादा था मेरा कि मिलूंगा हर खिड़की हर दरवाजे के पीछे, वादा था मेरा कि मिलूंगा हर खिड़की हर दरवाजे के पीछे, तुमने एक बार भी मुड़के नहीं देखा, मेरा जनाजा ही था तुम्हारे जनाजे के पीछे। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम। थैंक यू, थैंक यू। हमसे जब कहा गया कि भाई आपको पंचमदा के गाने ही गाने और बजाने हैं, तो हमने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, लेकिन हमने सोचा था कि सिर्फ हमने ही मेहनत की है,
हमको पता नहीं था कि हमें अप्रिशिएट करने के लिए आप भी बहुत सारा रिहर्सल करके आए, तो एक बार जोरदार ताली हो जाती। बस अब तो इतना कहना चाहूंगा कि आपने इतनी खूबसूरत दाद दे करके हम सब के कलाकारों के दिल तो चुरा लिए हैं, कहीं प्रोग्राम के बाद हमारे इंस्ट्रूमेंट चुरा कर मत लेके जाना। जी हाँ, क्या वंस मोर पूरा प्रोग्राम? ठीक है, आपके कुछ एक्ट्स बाकी है, वो खत्म हो जाए उसके पहले हम वापस आ जाएंगे, पूरा प्रोग्राम वंस मोर करेंगे। सीफेरर्स आप लोगों के लिए तो जान हाजिर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जिंदगी में जो हार नहीं मानते वो कैसे होते हैं? एक प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब और शम्मी कपूर साहब खास तौर पर, वो एक पर्टिकुलर म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी के फैन थे और वो अपने हर फिल्म में उन्हीं का म्यूजिक चाहते थे। और एक पर्टिकुलर फिल्म जिसके लिए पंचमदा का नाम आगे किया गया था, शम्मी कपूर साहब मानने के लिए तैयार नहीं थे। और शम्मी कपूर साहब से कहा गया कि अगर इस फिल्म के गाने हिट नहीं हुए तो आप इसके बाद हमारे फिल्म में प्लीज कभी काम मत कीजिएगा, लेकिन इस बार इस संगीतकार को मौका दीजिए। और पंचमदा ने उस फिल्म के गाने ऐसे बनाए कि खुद शम्मी कपूर साहब उन गानों के जिंदगी भर दीवाने रहे और हम सब उनके उन गानों के ताउम्र दीवाने रहेंगे। इसी की एक झलक आपके सामने पंचमदा को सलाम करते हुए हमारे कलाकार पेश कर रहे हैं। खास तौर पे आपके तरफ से मैं जोरदार तालियां चाहूंगा आपके लिए, जो खास सजावट की है हमारे म्यूजिक अरेंजर, म्यूजिक डायरेक्टर किरण विनकर ने की है, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये
फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही मंजे हुए फ्लूट आर्टिस्ट है, तमाम फिल्मों में, तमाम टीवी सीरियल्स में इनकी बंसरी गूंजती है। उन्होंने आज खास आपके लिए पंचमदा के गानों की ये जो पेशकश है वो सजाई है, उन्हें मैं जबरदस्त थैंक यू आपकी तरफ से भी कहना चाहूंगा, हम सब की तरफ से भी कहना चाहूंगा, और ये आर डी बर्मन साहब के लिए एक अनोखा सलाम हम सब की तरफ से। ओ हसीना ज़ुल्फ़ों वाली जाने जा, ढूंढती है ता फिर आके किसका निशान। ओ हसीना ज़ुल्फ़ों वाली जाने जा, ढूंढती है ता फिर आके किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा पीती हो कहा, महफिल महफिल ऐ शमा पीती हो कहा। पलकों में आओ छुपा लूं, ना
नाजुक तन है तुम्हारा आ जा मैं हूँ प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा जी हाँ, आपकी वंस मोर की पुकार हमारे दिल तक पहुंच रही है। हम वादा करते हैं चाहे भारती मैडम हमें न्योता दे ना दे, हर साल आपसे मिलने आते रहेंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट भारती मैडम से करना चाहता हूं कि अगली बार जहां कहीं भी इवेंट ऑर्गेनाइज करें वहां ये देख लें कि आजू बाजू में कोई चाय वाला हो यार। अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी पूरी टीम का मैं देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूं कि आपका जोश काबिले तारीफ है, तो उस पूरे जोश के साथ सभी कलाकारों को जोरदार तालियों से नवाजते रहिए। मेरे राइट से शुरू करूंगा, कोंगो ढोलक पर है अशोक आर्य, ऑक्टोपैड्स पर है अगस्टीन चेटियार, पर्कशंस पर है सचिन गायकर, कीबोर्ड्स पर हमारे दो मंझे हुए कलाकार सरफराज और नितेश, और सिंगर्स में पूनम, अशोक और प्रकाश, और खास तौर पर ऑडियो लैब के हमारे दोस्त साउंड इंजीनियर मुकेश जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे स्टेज मैनेजमेंट में तीन कलाकार है, गौरव, इलेश और जॉबिन, तीनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों, अब जो परफॉर्मेंस हम आपके सामने देने वाले हैं, इस परफॉर्मेंस को ध्यान से सुनिएगा भी और देखिएगा भी। जब ये परफॉर्मेंस स्टूडियोज में रिकॉर्ड हुई थी तो कम से कम 150 म्यूजिशियंस थे स्टूडियो में, और आज आपके पीछे 6 म्यूजिशियंस बैठे हैं, तो उसको स्टेज पर उतारना और उबारना और आपके सामने उसका म्यूजिक क्रिएट करना कितना डिफिकल्ट है ये आप सोच सकेंगे, लेकिन ये कलाकारों ने कर दिखाने की पूरे पूरी कोशिश की है, कामयाब कोशिश की है, इसका मैं दावा इस परफॉर्मेंस से पहले ही करता हूँ, क्योंकि इन कलाकारों को आप जैसे लोगों के हौसला अफजाई से इतना बिलीफ मिलता है, इतना आत्मविश्वास मिलता है कि इसके दम पे ये कहते हैं कि आंख के अंधेरों की परवाह कहाँ, आंख के अंधेरों की परवाह कहाँ, हमें तो दिल के उजालों से मतलब है, आंख के अंधेरों की परवाह कहाँ, हमें तो दिल के उजालों से मतलब है, राह में बिछे कांटों की परवाह कहाँ, हमें तो अपनी मंजिलों से मतलब है। Thank you.
संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे हे चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे मार ना दे डंक कहीं नजर कोई हाय चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे मार ना दे डंक कोई नजर कोई हाय अरे देख देख पग ना पिसल जाए रे आरा रा 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 चुनरी संभाल उड़ी चली जाए मार ना दे डंक नजर कोई हाय समंदर में लहरें होंगी तूफान भी आएंगे जाएंगे समंदर में लहरें होंगी तूफान भी आएंगे जाएंगे जो हिम्मत के साथ उनका मुकाबला करेंगे वो जरूर लौट कर वापस आएंगे वो जरूर वापस लौट कर आएंगे तो रहा चमन तो गुल खिलेंगे रही जिंदगी तो फिर जरूर मिलेंगे दोस्तों अगली मुलाकात तक सभी कलाकारों को इजाजत दीजिए जय हिंद जय भारत जय समंदर जय सीफेरर्स